2010 में आइसलैंड में उठे एक वॉलकैनो अय्याफयाल्लायोकुड्ल के ऐश क्लाउड ने ऐसी परेशानी खड़ी की कि 1 लाख फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन इन्हीं बादलों की तस्वीरों को लोगों ने खूब पसंद किया। मिलवाते हैं आपको कुछ ऐसे लोगों से जो बादलों का पीछा करते हैं। जब ये दोनों दोस्त घूमने निकलते हैं तो इनकी नजरें सिर्फ एक चीज पर टिकी होती हैं, आसमान के बादल। नौ साल पहले गैविन प्रेटरपिनी ने बादलों के फैंस का क्लब बनाया, क्लाउड अप्रिसिएशन सोसाइटी। ये उनके लिए है जो क्लाउड स्पॉटिंग करते हैं, यानी बादलों को देखते हैं। You need special equipment. आपको इसके लिए खास इक्विपमेंट चाहिए, दो आंख और एक खास आदत भी कि आप अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दें। असल में आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको अपने आसपास खूबसूरती को देखना होगा और आप पाएंगे कि अचंभे में पड़ने के लिए आपको दुनिया घूमने की कोई जरूरत नहीं। रॉन बेस्मास अक्सर बादल देखते समय कैमरा साथ रखते हैं। इंग्लैंड के सोमरसेट में भी ज्यादातर क्लाउड स्पॉटर कैमरा साथ लेकर ही घूमते हैं। हमेशा एक कैमरा अपने साथ रखिए और ऊपर देखते रहिए, कुछ मजेदार जरूर दिखाई देगा। फिर आपको बस क्लिक करना है और आपको शानदार तस्वीरें मिल सकती है। ये काफी मजेदार है। थोड़ी सी कल्पना करें तो बादलों में बहुत कुछ नजर आता है। कभी शंख, कभी ड्रैगन, कभी दिल, तो कभी मछली। उनके लिए गैविन ने एक पूरी किताब बनाई है। बादलों में आकृति ढूंढने का कोई मकसद नहीं, ये बेकार काम है, इसलिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल जिस तरह के आधुनिक समाज में हम रहते हैं, हमें लगता है कि हमें हमेशा बिजी रहना चाहिए। बर्लिन के क्लाइमेट रिसर्चर हेनिंग रुस्ट के लिए बादलों को देखना समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं है। वो उनमें मौसम के बदलाव को देखते हैं और उन्हें पता है कि बादल अलग अलग क्यों दिखते हैं। बादल दरअसल पानी की बूंदें हैं, इसलिए हम उन्हें देख सकते हैं और वायुमंडल के बाकी पारदर्शी तत्वों से उन्हें अलग कर सकते हैं। क्यूमुलस बादल गहरे, बड़े और घने होते हैं। अगर आप इन्हें साइड से देखें तो आसानी से आप इनकी 3D संरचना देख सकते हैं, जिसमें कभी आपको कुत्ते का मुंह दिखता है तो कभी खरगोश। बादल बुरे मौसम की वानगी हो सकते हैं, लेकिन इसका इन दीवानों पर कोई असर नहीं पड़ता। इंटरनेट में एक से एक तस्वीरें इन लोगों ने अपलोड की हैं। मैंने देखा कि तस्वीरों की पूरी सीरीज है। आप देख सकते हैं कि बादल कैसे बदले और उन्होंने कैसा आकार लिया। इससे मुझे विश्वास हुआ कि ये फोटोशॉप का काम नहीं। पिनी और वेस्मास के लिए क्लाउड स्पॉटिंग का एक और दिन पूरा हुआ। आसमान में इतनी वैरायटी है कि आपका वक्त बेकार नहीं जाएगा। क्लाउड स्पॉटिंग के लिए हर दिन अच्छा है, बशर्ते बिल्कुल नीला आसमान ना हो। हमें उससे नफरत है। अच्छा मौसम क्या है ये आप पर निर्भर है। जब बादल घिर आते हैं तो ये दीवाने उन्हें पकड़ने निकल पड़ते हैं।